कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने जारी बयान में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा एक धारावाही के तहत किश्तों में की गई तथाकथित राहत पैकेज की घोषणा में जनता के लिए कोई राहत नहीं है। इस पैकेज में किसी भी वर्ग को प्रत्यक्ष राहत अथवा लाभ नहीं दिया गया है और बैंकों से मिलने वाले कर्ज को ही राहत की तरह प्रचारित किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा प्रदेश सरकारों को कर्ज लेने की सीमा में बढ़ोतरी करने के फैसले का स्वागत करने तथा इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में मजबूती आने के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि पहले से कर्ज में डूबे प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री को केंद्र से विशेष आर्थिक पैकेज की मांग करनी चाहिए थी। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी के कड़कती धूप में भूखे प्यासे घर के लिए निकले मजदूरों से मुलाकात करने के विषय में जो टिप्पणी की है वो निराशाजनक है और मजदूरों का उपहास उड़ाने वाली है। उनके शब्दों में झलकती नफरत और कड़वाहट। भारतीय महिला का जो एक रूप है समाज की नजर में भारतवर्ष के अंदर, कहीं ना कहीं उसको भी खंडित करता है। भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया तथाकथित राहत पैकेज, जिसको एक धारावाहिक की तरह 5 किश्तों में घोषित किया गया, इस राहत पैकेज में राहत नाम की कोई चीज जो है वो प्रत्यक्ष तौर पर देश के किसी भी वर्ग को नहीं दी गई है। इस तथाकथित राहत पैकेज में कर्ज को ही राहत का नाम दिया गया है और वर्ष 2020-2021 का जो भारत सरकार का बजट है उसके जो प्रावधान है उन्हीं को घुमा फिराकर प्रस्तुत करके जनता को राहत पैकेज के नाम पे भ्रमित करने का प्रयास किया गया। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने एक बयान दिया है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा राज्यों की जो कर्ज लेने की सीमा है उसमें बढ़ोतरी करने के फैसले का उन्होंने स्वागत किया है और ये भी कहा है कि इससे प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगी। बड़े आश्चर्य की बात है, पहले से ही हिमाचल प्रदेश कर्ज में डूबा है और कर्ज लेने की सीमा में बढ़ोतरी करने के फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री अर्थव्यवस्था की मजबूती की बात कर रहे हैं। हैरान करने वाला है। मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग करें और विशेष आर्थिक पैकेज हिमाचल के लिए लें, तब हम समझेंगे कि जो डबल इंजन की सरकार जिसको कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा केंद्र और प्रदेश में है, उसके होने का कोई हिमाचल के लोगों को, हिमाचल वासियों को और हिमाचल प्रदेश को कोई लाभ हुआ।